नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। एंड दोस्तों, फाइनली मेरे हाथ में आ चुका है पोको का पोको M2 Pro, जो कि रिसेंटली लॉन्च हो चुका है 13,999 रुपये के प्राइस पॉइंट पे। एंड दोस्तों, अगर आपको पोको M2 Pro को परचेस करना है तो फ्लिपकार्ट की फ्लैश सेल में इस पोको M2 Pro को बाई कर सकते हैं। दोस्तों, 13,999 रुपये के प्राइस पॉइंट पे काफी आपको बेस्ट डील मिल जाता है पोको की तरफ से। सो गाइस, आज के वीडियो में हम बात करने वाली इसी पोको M2 Pro के 40 से भी ज्यादा हिडन फीचर्स के बारे में, जिसको भी अपन टिप्स एंड ट्रिक्स भी कह सकते हैं। सो गाइस, अगर आपने पोको M2 Pro को बाई किया या फिर अगर आप पोको M2 Pro को बाई करना चाहते हैं, सो गाइस इस वीडियो को शुरू से लेकर आशक जरूर देखते रहे, क्योंकि काफी सारे हिडन फीचर्स के बारे में बात करने वाला हूं। एंड दोस्तों, वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली, कुछ अपर पॉपकॉर्न या फिर चटपटा लेके बैठ जाइए एंड इस वीडियो को आराम से एंजॉय कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, फाइनली पोको M2 Pro हमारे हाथ में आ चुके हैं। एंड दोस्तों, 13,999 रुपये के प्राइस पॉइंट पे यार काफी बेस्ट डील है। एंड दोस्तों, इस फोन का आपको पता होगा कि सबसे बेस्ट हाईलाइट फीचर जो कि है साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर। एंड दोस्तों, इस साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर को आप इजीली इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। मतलब दोस्तों, प्रेस होने के बाद अनलॉक हो जाए, उसके बाद प्रेस करने के साथ दे सकते हैं। टच होने के बाद अगर आपको अनलॉक चाहिए तो भी यहाँ पर दे सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि अगर टच होने के बाद अनलॉक करना है तो उसके चेंज कर सकते हैं। एंड अगर आप चाहते हैं कि प्रेस करने के बाद ही फोन को अनलॉक करना है तो भी चेंज कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको जाना है पासवर्ड एंड सिक्योरिटी के सेटिंग में। पासवर्ड एंड सिक्योरिटी के सेटिंग में जाने के बाद फिंगरप्रिंट की सेटिंग में जाना है। एंड फिंगरप्रिंट की सेटिंग में जाने के बाद दे सकते हैं आपको फिंगरप्रिंट रिकॉग्नाइज मेथड। आपको दो ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, टच एंड प्रेस। तो अगर आपको प्रेस को सिलेक्ट करना है तो प्रेस को सिलेक्ट करने के बाद दे सकते हैं, जब तक आप फोन के ऊपर प्रेस नहीं करेंगे आपका फोन अनलॉक नहीं होगा। तो इस प्रकार से दे सकते हैं, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट को भी कस्टमाइज कर सकते हैं। इसके बाद बात करेंगे पोको की शानदार फीचर्स के बारे में, जो कि आपको इनबिल्ट ऐप ड्रॉअर का फीचर मिल जाता है, जो कि यार शाओमी के बाकी फोन में आपको इनबिल्ट फीचर देखने को नहीं मिलता। सो गाइस, इस ऐप ड्रॉअर को इजीली कस्टमाइज कर सकते हैं। आप जाएंगे होम स्क्रीन के सेटिंग में, एंड होम स्क्रीन के सेटिंग में जाने के बाद आप काफी सारे कस्टमाइज कर सकते हैं ऐप ड्रॉअर को। जैसे कि अगर आपको बैकग्राउंड चेंज करना है, लाइट रखना है तो लाइट रख सकते हैं, डार्क रखना है तो डार्क भी रख सकते हैं, अगर आपको ट्रांसपेरेंट रखना है तो ट्रांसपेरेंट भी रख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, कैटेगरी चेंज करना है तो कैटेगरी भी चेंज कर सकते हैं। अगर आपको आइकॉन पैक्स चेंज करना है तो आइकॉन पैक्स भी चेंज कर सकते हैं। इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट फीचर्स के बारे में, जो आपको इनबिल्ट डार्क मोड का फीचर मिल जाता है, जो कि बेटर सिस्टम वाइड डार्क मोड का फीचर है। सो गाइस, अगर आपको डार्क मोड को इनेबल करना है तो नोटिफिकेशन पैनल में जैसे आपको डार्क मोड का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, सिंपल उसको इनेबल करके डार्क मोड को इनेबल कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको डिस्प्ले के सेटिंग में डार्क मोड का फीचर मिल जाता है तो डिस्प्ले के सेटिंग में जाने के बाद भी डार्क मोड को इनेबल कर सकते हैं। एंड पूरा का पूरा सिस्टम वाइड डार्क मोड का फीचर मिल जाता है, एक बेटर आपको डार्क मोड मिल जाता है, किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के लिए दे सकते हैं, डार्क मोड इनेबल हो जाता है। इसके बाद दोस्तों, बात करेंगे नेक्स्ट हिडन फीचर्स या फिर टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में, जो कि आपको डॉलर पैड के सेटिंग में मिल जाते हैं। सो गाइस, डॉलर पैड में जैसे आपको नेटिव वीडियो कॉल का फीचर मिल जाता है। गाइस, फिलहाल के लिए मैंने अपने फोन के अंदर सिम कार्ड को इंसर्ट नहीं किया, इसलिए मेरा ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है, लेकिन आपको नेटिव वीडियो कॉल का ऑप्शन देखने को मिल जाता है पोको M2 Pro के डिवाइस के अंदर। इसके बाद दोस्तों, बात करेंगे सेटिंग के अंदर आपको और एक फीचर मिल जाता है, जिसका नाम है ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग। सो गाइस, सेटिंग में जाने के बाद जैसे कॉल रिकॉर्डिंग को इनेबल करने के बाद आप इजीली देख सकते हैं सारे सारे नंबर्स के कॉल रिकॉर्ड यहां पर कर सकते हैं। एंड अगर आपको कस्टमाइज मतलब इसको और भी सेटिंग चेंज करना है, मतलब कि किसी पर्टिकुलर नंबर का कॉल रिकॉर्ड करना है, अननोन नंबर्स के कॉल रिकॉर्ड करना है, तो सारे सारे सेटिंग चेंज कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, इनकमिंग कॉल के जितने सारे गेस्चर है वो भी कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि फ्लिप करने के बाद फोन को साइलेंट कर देना। तो इनकमिंग कॉल्स के लिए देख सकते हैं काफी सारे कुछ सेटिंग्स है, जो कि आप देख सकते हैं कस्टमाइज भी सेट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, बात करेंगे नेक्स्ट फीचर्स के बारे में, जो आपको मिल जाता है इनबिल्ट स्क्रीन रिकॉर्डिंग का फीचर। सो गाइस, अगर आप जाएंगे नोटिफिकेशन पैनल में, एंड नोटिफिकेशन पैनल में देख सकते हैं आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग का इनबिल्ट फीचर पोको M2 Pro में आपको देखने को मिल जाता है। सो गाइस, इस फीचर के बाद आपको किसी भी प्रकार का थर्ड पार्टी एप्लीकेशन इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड दोस्तों, अगर आप जाएंगे स्क्रीन रिकॉर्डिंग के सेटिंग में, तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग के सेटिंग में देख सकते हैं वीडियो रेजोल्यूशन चेंज करना है तो वीडियो रेजोल्यूशन भी चेंज कर सकते हैं। इसके साथ दोस्तों, वीडियो क्वालिटी चेंज करना है तो वीडियो क्वालिटी भी चेंज कर सकते हैं। ओरिएंटेशन देख सकते, अगर आपको पोर्ट्रेट में रखना है तो पोर्ट्रेट में भी रख सकते हैं, लैंडस्केप में रखना है तो लैंडस्केप में रख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, साउंड सोर्स देख सकते, अगर आपको माइक को सेट करना है तो माइक को भी सेट कर सकते हैं। अगर आपको फोन का जो सिस्टम का साउंड चाहिए तो सिस्टम का भी साउंड चेंज कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेम रेट से काफी सारे आपको सेटिंग्स इसमें देखने को मिल जाते हैं। सो गाइस, काफी आपको बेहतरीन तरीके से स्क्रीन रिकॉर्डिंग का फीचर इनबिल्ट पोको M2 Pro के अंदर देखने को मिल जाता है। इसके बाद दोस्तों, मैं आपको दिखा देता हूं कि सेटिंग्स अंदर आपको क्या क्या और भी फीचर देखने को मिल जाता है। सो गाइस, सबसे पहले बात करेंगे वाईफाई के अंदर। सो गाइस, वाईफाई के अंदर आपको वाईफाई असिस्टेंट का फीचर मिल जाता है, जिसके जरिए बेटर सिग्नल स्ट्रेंथ वाला वाईफाई ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करके उसको कनेक्ट कर सकते हैं। मान के चलिए दोस्तों, अगर आपके होम्स के अंदर मतलब घर के अंदर जितने सारे वाईफाई के कनेक्शन है, तो उन कनेक्शन में देख सकते जो भी वाईफाई कनेक्शन का सिग्नल स्ट्रेंथ ज्यादा बेटर है तो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करके फोन उसको कनेक्ट कर देगा। इसके साथ दोस्तों, नीचे की तरफ से देख सकते आपको और एक फीचर मिल जाता है, जिसका नाम है ट्रैफिक मोड। सो गाइस, ट्रैफिक मोड को इनेबल करने के बाद अगर आपके जितने सारे फोन के अंदर बैकग्राउंड एप्लीकेशन है उसका इंटरनेट थोड़ा सा स्लो हो जाएगा, एंड जो भी
एप्लीकेशन अगर आप यूज करेंगे तो उसका जो इंटरनेट है थोड़ा सा फास्ट मतलब इंक्रीज हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों सेकंड ऑप्शन देख सकते हैं आपको रेगुलर मोड एंड एक्सट्रीम मोड है। तो अगर आप एक्सट्रीम मोड में इनेबल करके रखेंगे तो जितने सारे बैकग्राउंड एप्लीकेशन है टोटल इंटरनेट बंद होकर जो भी एप्लीकेशन ऊपर यूज करेंगे उसका देख सकते हैं इंटरनेट काफी इंक्रीज हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे नेक्स्ट कुछ हिडन फीचर्स के बारे में जो कि देख सकते हैं कनेक्शन एंड शेयरिंग के अंदर मिल जाते हैं। सो गाइस कनेक्शन एंड शेयरिंग के अंदर आने के बाद देख सकते हैं आपको कास्टिंग के फीचर मिल जाते हैं जिसके जरिए देख सकते हैं आप अपने पोको M2 प्रो का जो स्क्रीन है मतलब डिस्प्ले पोर का पूरा स्मार्ट टीवी को कनेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको फर्स्ट टाइम यहाँ पर स्क्रीन को कास्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर देख सकते आपको डेमोज का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। आप ट्यूटोरियल भी देख सकते हैं किस प्रकार से पोको M2 प्रो का जो डिस्प्ले मतलब स्क्रीन है स्मार्ट टीवी को कास्ट करना है तो सारा प्रोसेस आपको देखने को मिल जाता है। सो गाइस इस प्रकार से देख सकते हैं स्क्रीन कास्टिंग का भी फीचर आपको पोको M2 प्रो में अवेलेबल है। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे नेक्स्ट कुछ हिडन फीचर्स के बारे में जो कि आपको लॉक स्क्रीन में अवेलेबल है। सो गाइस लॉक स्क्रीन के अंदर देख सकते हैं डबल टैप टू वेकअप उसके बाद रेस्ट टू वेकअप का फीचर आपको मिल जाता है जिसके जरिए पोको M2 प्रो की जो स्क्रीन उसको अवेक कर सकते हैं। तो बार बार आपको पावर बटन प्रेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिंपल डबल टैप करने के बाद फोन को अनलॉक मतलब कि अवेक कर सकते हैं या फिर ऊपर की तरफ से रेस्ट करने के बाद फोन की जो स्क्रीन उसके ऊपर अवेक कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों बात करेंगे नेक्स्ट फीचर्स के बारे में जैसे कि देख सकते हैं ग्लांस फॉर एमआई का फीचर है मतलब कि वॉलपेपर कर्सर का फीचर है। उसी के नीचे दोस्तों देख सकते हैं आपको क्लॉक फॉर्मेट का भी फीचर अवेलेबल है। सो गाइस अगर आपको होम स्क्रीन में किस टाइप का क्लॉक फॉर्मेट चाहिए यहाँ पर सेट कर सकते हैं। अगर आपको मिडिल में चाहिए तो मिडिल में सेट कर सकते हैं, कॉर्नर में चाहिए तो कॉर्नर में सेट कर सकते हैं, अगर आपको बीच में चाहिए तो बीच में भी सेट कर सकते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप का आपको क्लॉक फॉर्मेट्स अवेलेबल है। इसी के साथ दोस्तों लॉन्च कैमरा का एक फीचर अवेलेबल है जो कि लॉक स्क्रीन के अंदर आपको मिल जाता है। सो गाइस लॉन्च कैमरा को इनेबल करने के बाद अपना जो फोन है लॉक होने के बावजूद भी देख सकते हैं वॉल्यूम डाउन का जो बटन है डबल टैप करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर कैमरा ओपन कर सकते हैं। मतलब दोस्तों अगर आपको कैमरा ओपन करना है तो बार बार अपना जो फोन है उसको अनलॉक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाय चांस अगर आपको इमरजेंसी कैमरा को ओपन करना है तो सिंपल देख सकते हैं लॉक स्क्रीन में भी देख सकते हैं वॉल्यूम डाउन का जो बटन उसको डबल टैप करने के बाद सिंपली कैमरा ओपन कर सकते हैं। तो काफी शानदार फीचर्स है जो कि देख सकते हैं काफी क्विकली उसको एक्सेस कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे नेक्स्ट टिप्स एंड ट्रिक्स या फिर हिडन फीचर्स के बारे में जो कि आपको डिस्प्ले के अंदर देखने को मिल जाते हैं। सो गाइस डिस्प्ले के अंदर जाएंगे तो डिस्प्ले के अंदर देख सकते आपको ब्राइटनेस लेवल के अंदर नाइट मोड का फीचर मिल जाता है। एंड दोस्तों नाइट मोड फीचर को इनेबल करने के बाद रात के समय देख सकते हैं आप अपने फोन की जो डिस्प्ले उसको जो ब्राइटनेस ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर सकते हैं। सो गाइस काफी शानदार फीचर आपको पहले से देखने को मिल जाता है ब्राइटनेस लेवल के अंदर नाइट मोड का फीचर है। इसके साथ दोस्तों नीचे की तरफ से देख सकते आपको रीडिंग मोड का भी फीचर अवेलेबल है। सो गाइस अगर आपको ज्यादातर यहाँ पर बुक्स पढ़ने का शौक है मतलब रात के समय देख सकते हैं ऑनलाइन बुक्स पढ़ना या फिर किसी भी एप्लीकेशन में रात के समय अगर के फोन के साथ ज्यादा टाइम बीता है तो सुगज इस फीचर को इनेबल करके रख लीजिए। इसके वजह से आपकी आंखों को ज्यादा रोशनी का प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे नेक्स्ट फीचर्स के बारे में जैसे कि मैंने पहले ही बताया था इसमें आपको डार्क मोड का फीचर मिल जाता है। इसके साथ दोस्तों अगर आपको फॉन्ट चेंज करना है तो सिस्टम वाइड फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं, सीधा आपको जो थीम स्टोर में रिडायरेक्ट कर देगा। इसके बाद दोस्तों नीचे की तरफ से देख सकते आपको नॉच एंड स्टेटस बार की सेटिंग्स देखने को मिल जाती है। सो काफी सारे लोगों को लगा था कि पंच होने के बावजूद पोको M2 प्रो में देख सकते नॉच को हाइड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। सो गाइस पोको M2 प्रो में देख सकते नॉच हाइड करने का भी फीचर इसमें अवेलेबल है। साथ ही दोस्तों स्टेटस बार के सेटिंग्स को और भी कस्टमाइज कर सकते हैं जैसे कि दोस्तों अगर को वाईफाई या फिर मोबाइल डेटा की जो इंटरनेट स्पीड है अगर को शो करना है ऊपर के स्टेटस बार में तो शो कनेक्शन स्पीड का एक फीचर आपको अवेलेबल है जिसके जरिए देख सकते हैं आपका जो वाईफाई या फिर इंटरनेट का स्पीड यहाँ पर शो कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों बात करेंगे बैटरी परसेंटेज के बारे में। अगर को ग्राफिकल बैटरी परसेंटेज चाहिए या फिर अगर को बैटरी आइकॉन के अंदर परसेंटेज शो करना या फिर आपको आइकॉन के बाहर परसेंटेज शो करना तो उसको सेटिंग को इनेबल कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे नेक्स्ट फीचर्स के बारे में जो कि आपको नोटिफिकेशन के अंदर मिल जाता है। सो गाइस नोटिफिकेशन के अंदर जाएंगे तो आपको दो ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं एंड्रॉइड का नोटिफिकेशन शेड या फिर MIUI का नोटिफिकेशन शेड। सो गाइस अगर आपको नोटिफिकेशन शेड चेंज करना है तो नोटिफिकेशन का शेड यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। अगर आपको स्टॉक एंड्रॉइड जैसा सेट करना है डिफॉल्ट तो स्टॉक एंड्रॉइड जैसा सेट कर सकते हैं एंड अगर आपको कस्टमाइज MIUI जैसा सेट करना है तो कस्टमाइज MIUI जैसा सेट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे नेक्स्ट फीचर्स के बारे में जो कि आप देख सकते हैं आपको वॉलपेपर्स एंड थीम्स का फीचर मिल जाता है जिसके जरिए आप अपने फोन के अंदर वॉलपेपर चेंज कर सकते हैं। अगर आपको स्टॉक वॉलपेपर रखना है तो स्टॉक वॉलपेपर रख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अगर आपको आइकॉन चेंज करना है तो आइकॉन चेंज कर सकते हैं, थीम चेंज करना है तो थीम्स भी चेंज कर सकते हैं, काफी सारे कस्टमाइजेशन चेंज कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे नेक्स्ट फीचर्स के बारे में जो कि आपको एप्स के अंदर देखने को मिल जाते हैं। सो गाइस एप्स के अंदर जाकर देख सकते आपको डुअल एप्लीकेशन मतलब कि ऐप क्लोनर का फीचर मिल जाता है जिसके जरिए दोस्तों आप देख सकते हैं किसी भी सोशल मीडिया का एप्लीकेशन या फिर किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का डुअल एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं। सो गाइस इस फीचर की मदद से आप दो अकाउंट यहाँ पर देख सकते एक एप्लीकेशन में चला सकते हैं। मतलब अगर आपको सोशल मीडिया के दो अकाउंट है इजिली दो अकाउंट यहाँ पर चला सकते हैं सेम एप्लीकेशन में मतलब सेम सोशल मीडिया के एप्लीकेशन में। इसके साथ दोस्तों बात करेंगे और भी कुछ इंटरेस्टिंग फीचर्स के बारे में जैसे कि आप देख सकते हैं आपको इनबिल्ट ऐप लॉक का फीचर मिल जाता है। दोस्तों किसी भी टाइप का एप्लीकेशन में देख सकते हैं आपको थर्ड पार्टी एप्लीकेशन या फिर किसी भी टाइप का एप्लीकेशन हो अगर आपको उस एप्लीकेशन में लॉक लगाकर रखना है तो यहाँ पर लॉक लगाकर रख सकते हैं। एंड दोस्तों लॉक लगाने के लिए काफी सारे ऑप्शन है जैसे कि देख सकते हैं पासवर्ड है, उसके बाद पैटर्न है, फेस अनलॉक है, फिंगरप्रिंट है, काफी सारे इसमें ऑप्शन अवेलेबल है। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे एडिशनल सेटिंग्स अंदर काफी सारे फीचर मिल जाते हैं जैसे कि देख सकते हैं एडिशनल सेटिंग्स अंदर जाने के बाद आपको फुल स्क्रीन डिस्प्ले का फीचर मिल जाता है। दोस्तों पोको M2 प्रो
के अंदर देख सकते एंड्रॉइड 10 होने के बावजूद भी देख सकते आपको नेविगेशन बार्स अभी तक देखने को नहीं मिला, लेकिन आप देख सकते फुल स्क्रीन का डिस्प्ले इसमें इनेबल कर सकते हैं। एंड दोस्तों फुल स्क्रीन डिस्प्ले को इनेबल करने के बाद काफी सारे गेस्चर यहाँ पर देख सकते कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि बैक स्वाइप है, उसके बाद रिसेंट है एंड होम स्क्रीन के काफी सारे गेस्चर कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों एडिशनल सेटिंग में देख सकते आपको और भी शानदार फीचर्स अवेलेबल है, जैसे कि देख सकते बटन शॉर्टकट्स, सो गाइस जैसे कि साइड की जो बटन है उसको यूज करके किसी भी देख सकते शॉर्टकट तरीके से एप्लीकेशन ओपन कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको कैमरा लॉन्च करना है तो डबल प्रेस करेंगे पावर बटन को, तो पावर बटन को डबल प्रेस करने के बाद सीधा देख सकते लॉक स्क्रीन में कैमरा ओपन कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों और भी कुछ अपने शानदार फीचर्स अवेलेबल है, जैसे कि देख सकते बटन एंड गेस्चर में अवेलेबल है। तो बटन शॉर्टकट में देख सकते अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो पावर बटन प्लस वॉल्यूम डाउन बटन प्रेस करने के बाद स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थ्री फिंगर से देख सकते अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो उसको भी सेट कर सकते हैं। काफी सारे एप्लीकेशन देख सकते जैसे कि गूगल असिस्टेंट से काफी सारे देख सकते शॉर्टकट से, मतलब कि बटन के शॉर्टकट से अगर आपको सेट करना है तो सेट कर सकते हैं। इसी तरह से दोस्तों बात करेंगे नेक्स्ट फीचर्स के बारे में, जो कि देख सकते क्विक बॉल का फीचर है। सो गाइस क्विक बॉल को इनेबल करने के बाद होम स्क्रीन में देख सकते और भी यहाँ पर शॉर्टकट्स को मैनेज कर सकते हैं, जैसे कि स्क्रीनशॉट लेना, उसके बाद रिसेंट टैप, उसके बाद फोन को लॉक कर देना, काफी सारे शॉर्टकट्स देख सकते इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको क्विक बॉल को जो सेटिंग्स है, मतलब कि शॉर्टकट्स अगर आपको चेंज करना है तो शॉर्टकट्स के सेटिंग में जाने के बाद काफी सारी शॉर्टकट्स को कस्टमाइज भी सेट कर सकते हैं। तो क्विक बॉल का जो फीचर है पोको M2 Pro के अंदर आपको देखने को मिल जाता है। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे नेक्स्ट फीचर्स के बारे में, जो कि आपको मिल जाता है वन हैंडेड मोड का। सो गाइस वन हैंडेड मोड में जाने के बाद अगर वन हैंडेड मोड को इनेबल करेंगे तो आपका पोको M2 Pro का जो डिस्प्ले है पर स्मॉल स्क्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे कि देख सकते 3.5 या फिर 4 इंच का या फिर 4.5 इंच में कन्वर्ट हो जाएगा। सो गाइस देख सकते इस प्रकार से स्मॉल स्क्रीन में कन्वर्ट कर सकते हैं वन हैंडेड मोड फीचर्स के जरिए। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे और भी कुछ शानदार फीचर्स के बारे में, जो कि आपको स्पेशल फीचर्स के अंदर मिल जाता है। सो गाइस स्पेशल फीचर्स के अंदर देख सकते आपको गेम टर्बो का फीचर मिल जाता है। सो गाइस गेम टर्बो फीचर्स की मदद से आप अपने फोन के अंदर जो भी गेम्स उसको जो परफॉर्मेंस है उसको इंक्रीज कर सकते हैं। एंड काफी सारे आपको कस्टमाइज मतलब कि सेटिंग्स चेंज करने का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जैसे कि ओरिएंटेशन अगर आपको वर्टिकल या फिर हॉरिजॉन्टल सेट करना है तो हॉरिजॉन्टल या पर सेट कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों और एक फीचर आपको स्पेशल फीचर्स के अंदर मिल जाता है जिसका नाम है क्विक रिप्लाई। सो गाइस अगर अपने फोन के अंदर जितने सारी चैटिंग एप्लीकेशन है, जैसे कि मैसेंजर की एप्लीकेशन है, अगर आप गेम खेलते वक्त या फिर किसी भी टाइम दे सकते हैं, ब्राउजिंग करते वक्त अगर आपको किसी का मैसेज आता है तो जो एप्लीकेशन आपको ओपन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप यहाँ पर दे सकते हैं फ्लोटिंग विंडोज में उस मैसेज का क्विक रिप्लाई सेंड कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे कुछ नेक्स्ट फीचर्स के बारे में, जो कि प्राइवेसी को लेकर काफी इंपॉर्टेंट फीचर्स है। सो गाइस यहाँ पर लास्ट में देख सकते आपको प्राइवेसी का फीचर मिल जाता है, जिसके जरिए आप अपने फोन के अंदर जो भी यहाँ पर कॉन्टैक्ट्स है, उसके बाद कैमरा है, उसके बाद लोकेशन है, जो भी सारे परमिशन है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसके साथ दोस्तों जो पासवर्ड अगर कोई शो पासवर्ड पे इनेबल करना है तो उसको भी सेट कर सकते हैं, अगर आपको हाइड करके रखना है आप इजिली पासवर्ड भी देख सकते हाइड करके रख सकते हैं, काफी सारी परमिशन यहाँ पर कंट्रोल कर सकते हैं। सो गाइस अगर आपको प्राइवेसी को लेकर काफी सारी दिक्कत आ रही थी और पोको F2 Pro में देख सकते आपको यहाँ पर प्राइवेसी कंट्रोल करने के काफी सारे फीचर्स है, मतलब कि कस्टमाइजेशन आपको इसमें अवेलेबल है। सो गाइस इस प्रकार से देख सकते सेटिंग्स अंदर को फीचर अवेलेबल। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे कैमरे के बारे में। सो गाइस पोको M2 Pro का जो कैमरा है काफी अल्टीमेट लेवल का कैमरा इसमें प्रोवाइड किया गया है। 48 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा है, फोटो मोड में देख सकते हैं, वीडियो मोड में देख सकते हैं, काफी सारे फीचर्स है, सेटिंग्स है। एंड दोस्तों बहुत ही जल्दी पोको M2 Pro के अंदर को MIUI 12 का अपडेट मिलने वाला है। सो गाइस MIUI 12 अपडेट मिलने के बाद इसका जो कैमरा काफी अल्टीमेट लेवल का बन जाता है। सो गाइस अगर आपको इस पोको M2 Pro का जो कैमरा सेटिंग्स है, कैमरा हिडन फीचर्स या फिर टिप्स एंड ट्रिक्स का वीडियो देखना है तो चैनल में विजिट करके देख सकते हैं, या फिर भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो को लिंक ऐड कर दूंगा, सारे कैमरा टिप्स एंड ट्रिक्स आप इजीली देख सकते हैं। सो गाइस आज के वीडियो में मैं आपको बस इसी पोको M2 Pro का जो हिडन फीचर्स है उसके टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाला था। सो गाइस वीडियो पसंद आ गए तो लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, एंड फिर मिलेंगे कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।